रिया से शादी क्यों करना चाहते हो? प्यार करता हूँ मैं रिया से। भाई सिर्फ प्यार करना ही शादी करने के लिए काफी नहीं होता। हम एक दूसरे को समझते हैं, अच्छे बुरे में एक दूसरे का साथ देते हैं, और हमें 4 साल हो गए एक साथ। अच्छा, 4 सालों से साथ हो, तो बताओ इसका फेवरेट स्पोर्ट क्या है? फेवरेट स्पोर्ट क्रिकेट नहीं, फुटबॉल। इसका पसंदीदा खेल तक तुम्हें ठीक से नहीं पता। खैर छोड़ो, खाना बनाना आता है? हाँ थोड़ा बहुत आता है। थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, अगर ये तुम्हें थोड़ा बहुत कच्चा पक्का खिलाए तो चलेगा? मैं सीख लूंगा। ये बताओ कि इसकी फेवरेट डिश क्या है? सुशी। बनानी आती है? नहीं, पर शादी से पहले सीख लूंगा मैं। ठीक है, कल को अगर शादी के बाद इसका मन जॉब करने का किया तो? हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि ये जॉब करे शादी के बाद। और अगर कहीं बाहर से ऑफर आया इसे तब? तो देखेंगे, निकालेंगे कोई ना कोई सॉल्यूशन। करियर तो दोनों का इम्पोर्टेंट है ना, जितना मेरा उतना इसका। मतलब कि तुम कंफर्टेबल हो? हाँ। बेटा एक बात और बताओ, जब तुम दोनों जॉब करोगे तो घर के काम वो भी मिलके करने पड़ेंगे, करोगे? हाँ कर लूँगा, हम अपने काम बांट लेंगे और मेड भी रख लेंगे। अच्छा ठीक है, बस कीजिए ना, और कितने सवाल पूछेंगे आप? अरे बेटा, तुम शादी करके अपना घर परिवार छोड़कर संजू के साथ जा रही हो रहने, तो मैं इसे 4 सवाल भी नहीं पूछ सकती? भैया पूछने दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटा प्रॉब्लम तो तुम्हें हो जाएगी अगर शादी के बाद रिया को कोई परेशानी हुई तो। कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा। देख ले संजू, अगर कोई कंप्लेन आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, नहीं आएगी। और अगर इसकी कोई कंप्लेन आई तो? तो अरे भाई बच्ची है, बच्ची समझ के माफ कर देना। वाह जी वाह, इसकी गलती बच्ची समझ के माफ कर देना। अरे मैं भी तो किसी का बच्चा हूँ, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आप मेरी माँ हो या उसकी माँ हो। ऐसे लग रहा है कि सामने मेरी माँ नहीं, मेरी सासू माँ बैठी हो। अरे ऐसे कौन अपने बेटे से सवाल पूछता है? बेटा पूछने चाहिए, भले ही रिया नाते में मेरी बहू हो, लेकिन मैंने इसे अपनी बेटी मान लिया है, और मेरी बेटी के भले बुरे के लिए मैं माँ हूँ ना, मुझे सवाल पूछने ही पड़ेंगे। अरे माँ, बुलाया आपने है इसे मिलने के लिए, और सवाल मुझसे पूछे जा रहे हो, उससे भी तो पूछ लो कुछ। क्योंकि तुझे ये पता होना चाहिए कि मेरी बेटी अब तुझसे शादी कर रही है, और शादी के बाद अगर उसे कोई परेशानी हुई तो तेरी खैर नहीं। कोई परेशानी नहीं होगी उसे। जब मैं बहुत छोटी थी ना, मेरी माँ तभी मुझे छोड़कर चली गई थी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो मुझे वापस मिलेंगी आपके रूप में। बस कर बेटा, रोते नहीं है। शायद भगवान ने मुझे भी बेटी नहीं दी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि एक दिन ये गुड़िया जैसी बच्ची बहू के रूप में बेटी बनकर मेरे घर आएगी।